जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एसपी ऑफ एजी सेल इज 1 × 10⁻¹⁰ इट्स सोल्युबिलिटी इन 0.1 KNO3 विल बी कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारा देखो KNO3, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, और हमारा AgCl किससे बन रहा है, ये क्या है हमारा, सॉल्ट ऑफ किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस किससे, वीक बेस से। ठीक है, वीक बेस से। तो जो हमारा आप देखो KOH और ये हमारा KNO3 जो है, KNO3 कहाँ से फॉर्म हो रहा है, KNO3 किससे, KOH प्लस किससे, HNO3 से। ठीक है, ये हमारा क्या अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बेस और ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमारा AgSl किससे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म होता है AgOH प्लस HCl से, ये हमारा क्या है। तो अब देखो ये हमारा अब नो कॉमन इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, नो कॉमन आयन इफेक्ट, कोई कॉमन नहीं हो रहा आयन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, KNO3 does not affect the equilibrium। तो जो अब देखो AgCl, ये में क्या क्या बनता है, Ag positive plus Cl negative आयन Ksp। तो अब यहाँ से solubility S, इसकी S हो जाएगी। ठीक है, यानी जो यानी Ksp अगर निकालूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो S इंटू S कितना हो गया, एक्स स्क्र, और Ksp की वैल्यू कितना, 10⁻¹⁰ इज इक्वल टू एस स्क्र, यानी कि S की वैल्यू कितना होगा, 10⁻¹⁵। ये हमारा क्या आ गया, सोलिबिलिटी ऑफ, यही हमारा क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ किसका, AgCl का। ठीक है, AgCl का। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, हमारा ऑप्शन चेक करते हो तो हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ए के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,